आप सभी को राम राम। मैं सुमित और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो आज हम चल रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने, इसकी फर्स्ट सर्विस है आप, और आज दिन है फ्राइडे। तो कल मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो हमें टाइम दिया है 10:30 बजे का, और अभी टाइम हो रहा है 10:10। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं घर से निकले हुए, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है फोर्ड की जो है सर्विस सेंटर का। और दूसरा, अगर अंदर वीडियो बनाने की हमें परमिशन मिली तो पूरा वीडियो इसका हम शूट करेंगे और देखेंगे कैसे फर्स्ट सर्विस में काम होता है। तो पहुंचते हैं पहले सर्विस सेंटर और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी फ्रंट पे आप कोहरा बहुत ज़्यादा है, मुझे ये समझ नहीं आता कैमरे में इतना कैप्चर क्यों नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए आप कोहरा बहुत ही भयंकर है इस समय, जबकि टाइम हो रहा है 10:15। बाकी एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, MRT में आप देख सकते हैं और जो डीजल की लाइट है वो जल चुकी है, डीजल बहुत कम है इसमें, 75 डिस्टेंस टू MT बता रहा है। तो देखते हैं सर्विस से पहले उनको इतना डीजल चलेगा या वो कहते हैं कि इसमें और डीजल डला के लाइए, तो वो चीज़ भी आज क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा। तो बाकी मिलेंगे सर्विस सेंटर पहुँच के और कोशिश करेंगे कि हमें अंदर की वीडियो बनाने दी जाए। तो हम पहुँच चुके हैं लगभग सर्विस सेंटर पर, और एंट्री करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो डीलर हैं हुंडई और फोर्ड के, वो दोनों एक ही हैं, उसके ओनर एक ही हैं, तो इसीलिए जो सर्विस सेंटर हैं दोनों के वो एक ही जगह पर है, फोर्ड और हुंडई का। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो ये हुंडई के वर्कशॉप में मैं गाड़ी को क्यों ले जा रहा हूँ, उसी के अंदर ही फोर्ड का भी जो है सर्विस सेंटर वहीं पर है। तो करते हैं अंदर एंट्री, और बाकी गाड़ी बाहर से साफ है, अंदर से भी ज़्यादा गंदी नहीं है, तो वैसे आइडिया तो हो ही जाएगा हमें कि धुलाई वुलाई कैसी है, लेकिन ज़्यादा सफाई का काम है नहीं है, लेकिन फिर भी पता चले कैसी सफाई करते हैं, कैसी वॉशिंग है, इंजन वगैरह साफ करते हैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमें अंदर जाके ही पता चलेंगी। तो चलिए करते हैं अंदर एंट्री। तो ये है यहाँ का सर्विस सेंटर, सर्विस की तरह सीधे जाना सर, सीधे बिल्कुल सीधा ठीक। तो ये है जी इसका सर्विस सेंटर। तो भाई अभी तो चल रहा है यहाँ हुंडई का, आप देख सकते हैं, और बाकी फोर्ड का ये है। तो आ चुके हैं अंदर सर्विस सेंटर, और अभी बाहर चल के देखते हैं क्या प्रोसीजर है इनका। मैं यहाँ से अपना मास्क वगैरह ले लेता हूँ, और जो इनकी बुकलेट वगैरह है उसको भी निकाल लूँ, और साथ में चाबी। चलते हैं अंदर, ये है फोर्ड का सर्विस सेंटर। तो वर्कशॉप के अंदर रिकॉर्डिंग की परमिशन हमें नहीं मिली, स्टाफ का कहना था कि अगर बॉस ने कैमरे में देख लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग की कोशिश नहीं की। और जितनी भी ये रिकॉर्डिंग है, ये कस्टमर लाउंज में बैठकर मैंने छोटी छोटी वीडियो क्लिप निकाल ली हैं। तो फाइनली हो चुकी है अपनी गाड़ी की पहली सर्विस, जिसके अंदर जनरल चेकअप था और कुछ नहीं, और अब इसकी जो है वॉशिंग रह गई है, तो अभी अंदर की सफाई, उसके बाद वॉशिंग। ये इधर इनका वॉशिंग एरिया, भाई हो चुकी है अपनी गाड़ी की सर्विस, और होता कुछ नहीं फर्स्ट सर्विस पे, जनरल चेकअप, और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ इशू आ रहा है गाड़ी में, तो वो चीज़ें चेक करते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं एक बार कार को। अब बाहर चलते हैं कहीं, पहले तो मैं इसमें डीजल डलाता हूँ, डीजल इसमें है नहीं, और कहीं रुक के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी वॉशिंग वगैरह हुई है। तो भाई सर्विस होके आ चुके हैं घर, और रास्ते में रुकने का टाइम नहीं मिला, सही सही बताऊँ तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा सीधे पहले चलते हैं घर, और घर पर चल के कुछ खाना खा के उसके बाद वीडियो करते हैं पूरा। तो अब मैं पहले आपको
गाड़ी अंदर से दिखा देता हूँ कैसी वॉश करी है, बाहर से दिखा देता हूँ, और इंजन खोलकर, बोनट खोलकर इंजन की कंडीशन भी कैसी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप अंदर से डैशबोर्ड वगैरह, मैट, पीछे सब साफ है। आप में ऐसे बहुत से लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि ये डेकोरेटिव पीस क्या है और ये जो मोबाइल माउंट है ये कौन सा है, तो इन दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप लेना चाहें तो उन लिंक्स पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। बढ़िया है, बस पॉलिश जो अंदर लगाई है वो इतनी ज़्यादा लगा दी है कि उंगली भी उस पर चिपकने लगी है। पीछे से ये गंदा छोड़ दिया इधर, बाकी दरवाजे वगैरह सब साफ। फ्रंट से टायर्स वगैरह, ये इंजन, इसको भी साफ किया था, वॉशिंग की थी इसकी। ये फ्लूइड विंडशील्ड का टॉपअप कर दिया है, इसमें शैम्पू डालने का बोला था पर मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो मैंने मना कर दिया, तो वो भी पैसे अपने नहीं लगे। बाकी सब हवा से इसको भी साफ किया था, थोड़ी सी डस्ट थी इस पर, और बाकी इंजन पर पानी से। एक बार पीछे भी दिखा दूं आपको, पीछे भी सब साफ है, ये डस्ट थोड़ी सी दिख रही होगी, ये तो रास्ते में। रूफ, तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनली फर्स्ट सर्विस में होता क्या है। तो देखिए फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होता, जनरल इंस्पेक्शन होता है, सारे नट बोल्ट्स चेक किए जाते हैं आपके टायर्स के, स्टेपनी वगैरह के, ऑयल लेवल, बैटरी का जो वाटर लेवल होता है उसको चेक किया जाता है, और बाकी इंजन में क्या क्या चेक करते हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह, वो सभी लेवल्स तो चेक होते हैं, और ब्रेक्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, आपके इंडिकेटर्स चल रहे हैं या नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ वॉशिंग होती है और कुछ नहीं होता। तो ये हुआ था फर्स्ट सर्विस में, जिसके कि बिल बना है हमारा 0 रुपीज़ का, कोई पैसा नहीं लगा क्योंकि मैंने शैम्पू उसमें नहीं डलवाया, अगर शैम्पू डलवाता तो शायद उसके 100-150 रुपये हम पर लग जाते, लेकिन वो भी हमें नहीं देने पड़े क्योंकि मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया था। बाकी वॉशिंग अच्छी है, संतुष्ट हूँ मैं वॉशिंग से, बस ये है कि जो पॉलिश लगाई है वो इतनी ज़्यादा है कि आप उंगली लगाने से वो पूरा आपका हाथ भी चिपक रहा है, तो वो थोड़ी कम लगानी चाहिए। वैसे मैंने उनको बोल दिया है कि भाई इसको कम लगाया करो आप, तो वो चीज़ अब आगे देखने को शायद ना मिले। और बाकी मैटिंग वगैरह सब अच्छे से साफ करी है, 2 बार हवा लगाकर साफ करी अंदर से गाड़ी, पानी से धोने से पहले और पानी से धोने के बाद जब मैटिंग लगाई उसके बाद भी उन्होंने एक बार मैटिंग पर पूरी हवा लगाकर उसको अंदर लगाया था। और जैसे कि 70 मैटिंग है तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी कि उल्टी सीधी लगाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे तरह से मैट को फिक्स किया है बाद में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही बात टाइमिंग की, तो मुझे टाइम लग गया वहां पर 1 घंटा 40 मिनट। जी हाँ, ये टाइमिंग थोड़ा कम हो सकता था क्योंकि जनरल चेकअप था, लेकिन वॉशिंग में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लिया। तो वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, और गाड़ी धुलनी चाहिए, साफ अच्छी होनी चाहिए, 10 मिनट ज़्यादा लग जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए यही है, बाकी और कुछ नहीं, फर्स्ट सर्विस से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दें और उसका रीज़न नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।